ये देखिए आज मैंने बनाई है दिवाली के लिए चकली रेसिपी, और ये एक इंस्टेंट चकली रेसिपी है। और नॉर्मली सूजी बेसन तो घर पे होता ही है, उससे मैंने ये चकली बनाई है। बहुत ही क्रंची और कुरकुरी चकली बनी हुई है। मैंने इसमें नॉर्मल बेसिक मसाले डाले हुए हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक और तिल डाला हुआ। देखने में ही पता चल रहा है तिल डाला हुआ, तिल का टेस्ट चकली में बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं अब आपको चकली को तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रंची और कुरकुरी बनी है। ये देखिए आवाज से ही पता चल रहा है कि कितनी कुरकुरी है। ये देखिए मार्केट में तो काफी स्नैक्स मिलने ही लगते हैं दिवाली के समय पे, लेकिन अगर आप घर पे बनाते हो तो शुद्ध साफ तरीके से हम बनाते हैं। हम अपने मनपसंद तेल लेते हैं, मसाले डालते हैं, ना ज्यादा स्पाइसी बनाते हैं, सबके मनपसंद परिवार के हिसाब से बनाते हैं, तो वो खुशी भी होती है और खाने का टेस्ट भी बढ़िया रहता है। तो ये देखिए सूजी बेसन की इंस्टेंट चकली बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी ली हुई है बारीक वाली, आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हो। और 1 कप ही मैंने बेसन लिया हुआ, मतलब कोई भी नाप ले रहे हो तो 1-1 कटोरी बराबर ले सकते हो। और मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 6 चम्मच तेल। तो नॉर्मल जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं वो इस चम्मच से 6 चम्मच है। अगर आप टेबल स्पून से नाप रहे हो तो 3 चम्मच तेल लिया हुआ है मैंने। आप घी भी ले सकते हो, वनस्पति घी भी ले सकते हो, या बटर भी डाल सकते हो। और हल्दी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जब चकली हम तलते हैं तो उसका कलर डार्क हो जाता है। तो सिर्फ 1/4 चम्मच ही मैंने हल्दी ली हुई है। 1 चम्मच यहाँ पर सेंधा नमक लिया हुआ है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। 1 चम्मच ही मैंने मिर्च पाउडर लिया हुआ है, और 2 चम्मच धनिया पाउडर है, और 2 बड़ा चम्मच भर के यहाँ पर मैंने तिल ली हुई है। तिल का टेस्ट चकली में बहुत ही अच्छा आता है, ये भुनी हुई तिल है। ये चकली का आटा तैयार करने के लिए एक मैंने बड़ा सा बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी बेसन, सूजी, मसाले डाल देंगे, नमक, धनिया पाउडर, तिल, हल्दी, मिर्च पाउडर, चाहे तो आप कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हो, और साथ ही डाल देंगे आप तेल। अब सभी चीज़ों को बढ़िया मिक्स करेंगे पहले। तो ये देखिए तेल, मसाले, सभी कुछ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए, और आप देख सकते हो हल्का सा इसमें मॉइस्चर दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं डालना होता है, क्योंकि अगर हम चकली फ्राई करें तो उसमें बिखर भी सकती है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूंगी और आटा तैयार कर लेंगे। और एकदम बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे, हल्का सा सॉफ्ट रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली हुई है तो सूजी फूलती है। अगर हम अभी टाइट गूंद लेंगे तो सूजी फूल नहीं पाएगी, इसलिए थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए अभी। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंद लेंगे। और चकली का आटा हम नॉर्मल पानी से ही तैयार कर रहे हैं, हमें गुनगुना पानी नहीं चाहिए, नॉर्मल ठंडा पानी लिया हुआ है मैंने। और ये देखिए हमारा आटा अच्छी तरह से तैयार हो गया, और मैंने इसे हल्का सा सॉफ्ट ही रखा हुआ है अभी, तो अब मैं इसे रख दूँ। तो ये देखिए चकली के लिए मैंने आटा तैयार कर लिया है, और क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली हुई है तो आटा आप देख सकते हो मैंने सॉफ्ट रखा हुआ है, क्योंकि जब हम आटा रखेंगे रेस्ट पे तो सूजी फूलेगी, तभी हमारा आटा बढ़िया टाइट होगा और चकली हमारी बहुत ही बढ़िया कांटेदार बनेगी। तो अब मैं आटे को लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। तो ये देखिए लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमने चकली का आटा गूंद के रखा था। तो अब मैं इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, और अच्छी तरह से ये देखिए टाइट हो गया अब ये आटा, और टाइट ही होना चाहिए इसे। ये देखिए बढ़िया टाइट हो गया है, ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पूरी तरह से, क्योंकि अगर सॉफ्ट होगा आटा तो हमारी चकली जो है कुरकुरी नहीं बनेगी। और जो आपको तो पता ही है जैसे चकली बनती है तो उसके सांचे में ऐसे कांटे होते हैं, तो वो अच्छे से नहीं बनेंगे। तो ये देखिए बढ़िया हमारा आटा तैयार हो गया, तो अब हम चकली बनाते हैं। और ये देखिए चकली बनाने के लिए मैंने ये चकली का सांचा लिया हुआ है, और इसकी ये चकली वाली प्लेट मैंने लगा दी है, और ये आराम से बर्तन की दुकान में मिल जाता है। और अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे आटे का, और इसे थोड़ा सा मतलब जैसे मशीन की साइज है उस हिसाब से हम रोल कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, ताकि अंदर अच्छे से चले जाए आटा। और इस तरह से डाल देंगे, ये देखिए, और एयर नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए, मतलब फिक्स कर दीजिए। यहाँ पर हवा रहती है तो फिर जब हम मशीन चलाते हैं चकली बनाने के लिए तो ठीक से चलती नहीं है। तो इस तरह से लेके ये देखिए अच्छी तरह से मैंने फिल कर दिया है, ये देखिए। अब मैं ऊपर से इसे बंद कर दूंगी,
ये देखिए इस तरह से घुमा के बढ़िया टाइट कर देंगे। तो अब ये सांचा बिल्कुल तैयार है चकली बनाने के लिए। तो ये देखिए बनाते हैं चकली। देखिए चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है, आप पॉलीथीन में भी बना सकते हो। और इस तरह से हम प्रेस करेंगे, तो ये देखिए, और घुमाते जाएंगे इस तरह से। छोटी बड़ी चकली आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हो। आसानी से चकली बन जाती है इस मशीन से, ये देखिए। और फिर ये जो आखिरी किनारा है इसे प्रेस कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से चार पांच में बना लेती हूँ, फिर मैं इसे फ्राई करूंगी। तो ये देखिए चार से पांच मैंने चकली यहाँ बना ली है, और यहाँ तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था। और फुल आंच पर नहीं तलना है हमें, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए चकली उतनी ही डालें जितने आराम से डिप हो जाए, बहुत ज़्यादा ना डालें। तो अभी मैं चार डाल दे रही हूँ इसमें। और अभी आप देख रहे हो कि हमने चकली डाली तो काफ़ी बबल्स दिख रहे हैं, मतलब ये जब बबल्स थोड़े कम हो जाएंगे तब हम इन्हें पलटेंगे, अभी नहीं पलटेंगे। तो ये देखिए अब बबल्स थोड़े से कम दिख रहे हैं, चकली भी अच्छी तरह से दिखने लगी है। तो अब मैं चकली को पलट देती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया फ्राई हो रही है हमारी चकली, और हमें लो से मीडियम हीट पर ही तलना है। और अभी मैंने लो से मीडियम हीट पर रखा हुआ है गैस, क्योंकि जब हम चकली या कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए डालते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने अभी लो से मीडियम हीट पर रखा हुआ है, नहीं तो हम धीमी आंच पे आराम से तलेंगे, तभी बड़ी अंदर से पकेगी भी चकली और बढ़िया क्रिस्पी बनेगी। तो ये देखिए चकली को फ्राई होते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और मैंने धीमी आंच पे फ्राई कर लिया इसे। पहले जब मैंने डाली थी चकली तब लो से मीडियम हीट पे की थी गैस, और अब आप कलर देख सकते हो कितना बढ़िया आ चुका है। तो अब मैं इसे एक बड़े स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन सा कलर आ चुका है चकली का, ये देखिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी ये चकली दिखाई दे रही है, आप कलर देखिए कितना प्यारा आया है, और तिल भी बढ़िया इसमें दिखाई दे रही है। और आवाज़ मैं अभी आपको सुनाती हूँ, ये देखिए अच्छी क्रिस्पी बनी है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अब मैं इसी तरह से बचे हुए डो की चकली फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए चकली हमारी बनके तैयार है। अब जब ये पूरी तरह से, तो ये देखिए सूजी बेसन की हमारी चकली बनके तैयार है, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही क्रिस्पी बनी हुई है। और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब इसे एक एयर टाइट जार में भर के रख दीजिए, और महीने भर तक आराम से आप इसे खा सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये चकली की रेसिपी ये इंस्टेंट चकली की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप भी इसे दिवाली पे जरूर ट्राई करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे दिवाली पे ही बनाएं, आप इसे कभी भी बना करके खा सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा स्नैक्स है जो सबको पसंद आता है, बच्चों से लेके बड़ों तक को अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात है आप इसे बना करके रख सकते हो लंबे समय के लिए। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा दिवाली पर, और जब भी इसे बनाएं तो बताना ना भूलें कि चकली की रेसिपी आपको कैसी लगी।